जय श्री राम। करवा चौथ का व्रत 1 तारीख के दिन मनाया जा रहा है, इस दिन क्या करना चाहिए, वास्तु विज्ञान क्या कहता है, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार ये चूंकि सौभाग्य का विषय है, सौभाग्य की वृद्धि होती है और हमारे यहाँ सौभाग्य का रंग सिर्फ एक है, लाल, या फिर पीला भी ले सकते हैं। तो इस दिन जिन महिलाएं जो व्रत रख रही हैं उन्हें लाल, पीला या हरा इस प्रकार के कलर की वो साड़ी पहने, करवे का कलर भी लाल हो और उसमें कलावा भी पचरंगा हो। हमारे यहाँ पचरंगे का ज्यादा विशेष महत्व बताया गया है, तो उसके कलर भी पचरंगा हो, उस कलावे को बांधना है। आजकल आर्टिफिशियल काफी चले आ रहे, लेकिन उन सब का उपयोग नहीं करना है, ध्यान रखिएगा विशेष रूप से कि हमें सिर्फ पचरंगा जो नाड़ा आता 5 रंग का उसे बांधना है। आप करवे में जल भरिए, ऊपर जो उसका ढक्कन आता उसके ऊपर थोड़ी शक्कर रखिए, एक सुपारी रखिए और साथ में शिव परिवार की पूजन करिए। शिव पार्वती कार्तिकेय गणेश भगवान का पूजन करना है आपको और दिन भर आपको व्रत रखना, निर्जला व्रत होता है। और सूर्य उदय के पूर्व सर्गी लेना और चंद्रमा के उदय के समय, चंद्रमा उदय कितने 8:15 बजे होगा 1 तारीख के दिन रात्रि में, तो चंद्रमा उदय के समय चंद्र भगवान का पूजन करना है, उन्हें अर्घ्य प्रदान करना है। अर्घ्य प्रदान करके फिर अपने पति देव से या फिर किसी सौभाग्यवती स्त्री से आपको थोड़ा सा जल पीना है, उसके बाद अपने इस व्रत को आप पूर्ण कर सकती हैं। श्री राधे।